हिमाचल विधानसभा में सुक्खू सरकार ने प्रदेश में भांग की खेती को वैध बनाने को लेकर गठित कमेटी की रिपोर्ट सदन में पेश की है। सदन में इस रिपोर्ट की सिफारिश को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। सरकार हिमाचल में औषधीय और इंडस्ट्रीज में उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करना चाहती है। इसको देखते हुए कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने सदन में नियम 102 के तहत सरकारी संकल्प लाए, जो सर्वसम्मति से पारित हो गया है। इसी को लेकर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है सुनिए जरा। हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती को लेकर लगातार आवाज उठ रही थी, लेकिन पहल हुई है अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार में और एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी के गठन के बाद कई राज्यों के दौरे पर वो कमेटी गई और उसके बाद आज विधानसभा के अंदर भी ये आवाज एक बार फिर से उठी है। ज्यादा बात करेंगे, हमारे साथ राजस्व मंत्री और इस कमेटी के चेयरपर्सन जगत सिंह नेगी हमारे साथ हैं। नेगी, किस तरह से देखें इस पूरे भांग की खेती लीगल करने के प्रोसेस को, समझाइए और बताइए कि किस तरह से ये लीगल होगा। मैं शुरू में ये बताना चाहता हूँ कि ये जो भांग की खेती से संबंधित जो प्रस्ताव पास आज हुआ है, ये जो खेती होगी तो ये होगा एक औद्योगिक और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। उसमें जो है ये पौधा, अब बाकी कई किस्म के पौधे होते हैं, तो ये जो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए जिस पौधे की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें नशा नाम मात्र का भी नहीं होगा। तो उससे जो है लोगों की शंका दूर होनी चाहिए कि ये कोई इससे नशे को बढ़ावा मिलेगा। सही आपने कहा, क्योंकि ज़्यादातर लोग भांग की खेती से मतलब जो है वो इसी बात का निकालते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मेडिसिनल जो यूज़ की हम बात कर रहे हैं या फिर इंडस्ट्रियल यूज़ की बात करें, क्या इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है? जो हम एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ये जो भांग की खेती करने जा रहे हैं, इसका जो बीज है वो भी जो है हम जो है एक सिस्टम के थ्रू बांटा जाएगा, जिसमें नशा मुक्त होगा। मतलब उसमें मामूली नाम मात्र का जो है THC लेवल होता है। तो ये जो है एक तो उस तरह से खेती की जाएगी इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। दूसरा जो मेडिसिनल पर्पस के लिए करना है वो एक लिमिटेड उसमें होगा और वो लिमिटेड जो है आपके एरिया में होगा। तो उससे जो है कोई भी किसी किस्म का लोगों को ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, नशे को कोई बढ़ावा नहीं मिलेगा। इंडस्ट्रियल भांग जो है बिना नशे का होता है और जो मेडिसिनल भांग है वो नशे का होता है। वो जो है लार्ज स्केल पे नहीं होगा, वो एक पॉली हाउसेज में लाइसेंस के द्वारा दिया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। ऐसे तो केंद्र सरकार भी जो है अफीम उगाने के भी लाइसेंस दिया हुआ है, तो उसमें भी बड़े सारे कड़े नियम बने हुए हैं। तो इसमें कोई किसी किस्म का जो है नशे को बढ़ावा नहीं होगा। तो कैसे तय किया जाएगा, कोई SOP बनाएंगे आप या कुछ और, कुछ कोई और मापदंड होंगे, किस तरह से? जिस तरह से अगर आप OPM के बारे देखेंगे तो OPM का जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में और कुछ और स्टेट्स में केंद्र सरकार ने स्पेशल मतलब परमिशन दे रखा है। OPM के मामले में तो उन्होंने जो है मान लो रेवेन्यू विलेज है, उसको मतलब पूरा का पूरा लाइसेंस दिया हुआ है। उधर इनके केंद्र के NDPS डिपार्टमेंट के अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं, फिर जो अफीम के जो बीज है वो भी खुद देते हैं, फिर कितना एक बीघे से निकलेगा उतना कैलकुलेट करके वो लेंगे, और पिलफ्रेज होने के लिए जो भी रास्ते हैं उसको प्लग करने का वो कोशिश करते हैं। परंतु हमारे इसमें दो किस्म, क्योंकि अफीम में तो एक ही किस्म है, उसमें तो सिर्फ जो है आपसे OPM लेना है। हमारे पास जो है भांग में इंडस्ट्रियल औद्योगिक जो है पौधा भी है, जिसमें TSC जो नशे होता है वो नाम मात्र भी नहीं है। तो हम उसको जो है आम खेती के लिए देंगे, और इस इंडस्ट्रियल जो पौधा है भांग का, इससे कई सैकड़ों प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब तो कपड़े भी इतने अच्छे बन रहे हैं, महंगे कपड़े बन रहे हैं, इससे जो है क्रीम है, इससे जो है तेल है, इससे जो है बहुत सारे खाने के उत्पाद बन रहे हैं। तो ये तो जो है एक इंडस्ट्रियल की बात है, और जहाँ तक मेडिसिनल भी होना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिनल जो है यूज़ हमारे कैंसर की बीमारी, हमारे दूसरे बहुत सारे ऐसे बीमारी है जो नर्वस सिस्टम को लेकर होती है बीमारी, तो ये भी किया जा रहा है। तो इसका तो बड़ा स्ट्रिक्ट एक SOP बनेगा, जहाँ किसी भी किस्म का उसमें से पिलफ्रेज का नाम भी नहीं होगा। तो जो NDPS एक्ट है, क्या उसको लेकर भी कोई संशोधन या किसी और तरीके से कोई काम किया जाएगा, ताकि जो अगर लीगल इसको किया जाता है तो किस तरह से वो चीज़ें रहें? NDPS एक्ट कहता है तो केंद्र का एक्ट है, उसमें स्टेट्स को जो है ये जो नशा मुक्त वाला जो इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए या मेडिसिनल यूज़ के लिए स्टेट्स को अपनी छूट दी हुई है।
हम उसका खुद जो है नियम बना के उसको लागू कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या नशे का कारोबार जो कि बड़े पैमाने पर होता है, चाहे वो बाहरी राज्यों से हिमाचल आना या हिमाचल से बाहर जाना, तो क्या उसके ऊपर भी लगाने के लिए कोई और तरीका है या किस तरह से आप लोग करेंगे? क्योंकि नशे का कारोबार हमारा इस खेती से लेके इंडस्ट्रियल हेम्प को लेकर कहीं भी नशे को बढ़ाने का मतलब ही नहीं, क्योंकि इसमें नशा ही नहीं है। मेडिसिनल जो होगा वो कंट्रोल्ड होगा, हर एक को थोड़ी मिलेगा मेडिसिनल बनाने का लाइसेंस, वो तो एक लिमिट होगा, गवर्नमेंट तय करेगी कि हमने कितने स्थानों पर मेडिसिनल बनाना है, वो पोली हाउस के अंदर होगा या वो किस तरीके से होगा, तो बड़ा स्ट्रिक्ट तरीके से होगा, ऐसा थोड़ी होगा। वो यहीं के लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी, हिमाचल के या बाहर के लोग भी आकर यहाँ पर इस तरह से कोई प्लांट या फिर उद्योगों की तर्ज पर जो है वो कोई इस तरह का काम? ये तो जो है जब हम मार्केट में जाएंगे तो इसको ओपन रखना पड़ेगा, जिसके पास साधन होगा वही जो है इंडस्ट्रियल मतलब क्या कहें इंडस्ट्री लगाएगा, और खेती तो कोई भी किसान कर सकता है, पर बाकी जो मेडिसिनल वाला है उसमें आपका बहुत पैसा लगना है, तो जिसके वह पैसा ओपन, मैं तो सोचता हूँ ओपन होना चाहिए, क्योंकि ये बड़ा इंडस्ट्री लगना है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होती है। बिजनेस होगा तो इसमें कोई आय भी होगी? तो नेचुरली होगा, क्योंकि इतना बड़ा जो है कारोबार जब होगा, जो GST आएगा, टैक्स आएगा, और जो आम लोग हैं जो इसके पैदावार करेंगे उनको अपने फसल का पैसा भी मिलेगा और रोज़गार भी मिलेगा। लेकिन इसके बाद अब रास्ता कैसे साफ होगा, कैबिनेट में लेकर जाएंगे या आगे कोई और? तो अब तो रास्ता जो है आम जनता की राय हो गई है, अब हमारे ऊपर है गवर्नमेंट पे हम इसको कितनी तेजी से लागू कर पाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे जगत सिंह नेगी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में जल्द ही ये भांग की खेती जो है उसे लीगल किया जा सकता है, स्पेशल जो SOPs हैं उनको बनाकर मापदंड तैयार किए जाएंगे और उसके बाद ये तय किया जाएगा कि किस तरह से इसे आगे बढ़ाना है और जो भांग की खेती है उसे कैसे लीगल हिमाचल प्रदेश में किया जा सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता TV, शिमला।